हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज उत्तम फ्रॉम अमचुआ से, और अभी मैं हूँ मुर्डेश्वरम में। आज का हमारा राइड का तीसरा दिन है। मुंबई टू कन्याकुमारी के लिए हम लोग निकले, तो हम लोग अभी मुर्डेश्वरम में, और अभी जो है शिवजी के दर्शन करने जाना है। तो यहाँ से नज़दीक ये 2-3-5 मिनट का रास्ता है, पकड़ लो। और मुर्डेश्वरम में ये जो टेम्पल है मुर्डेश्वरा, शिवजी की ये वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट जो है मूर्ति है यहाँ पे। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे आए और रुके। अभी जो ये टाइम हुआ है 8:30 बज गए, तो सुबह सुबह जाके जो है दर्शन करके आएंगे। और यहाँ से जो हमें जाना है मैसूर किले। तो मैसूर यहाँ से जो है 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर यानी कि गूगल जो है 8 आवर्स का रास्ता बता रहा है। सो कपल राइड है, तो थोड़ा सा ब्रेक जो है ज़्यादा होते हैं, तो बीच बीच में रुकना पड़ता है। तो 8 घंटे का रास्ता, यानी कि हमारे लिए वो 11 घंटे का हो जाएगा शायद। और तो चलो फिर आपको मिलते हैं मुर्डेश्वरा टेम्पल में। की जो जर्नी स्टार्ट हो रही है 861 किलोमीटर से, और 11:37 हो गए हैं अभी। तो लेट्स गो, यहाँ से अभी हम जा रहे हैं मैसूर। देखते मैसूर जो है यहाँ से 400 किलोमीटर, जितना पॉसिबल होगा उतना खींचेंगे आज। 2 दिन में हमने 861 किलोमीटर बाइक चलाई है, और आज का 400 हो जाएगा, मतलब 1200। और पेट्रोल 3 बार भरा है आज, तो पेट्रोल पूरा फुल है। आते वक्त भरा था कल ही। आज जो है नाश्ता 2 बार हो गया है, क्योंकि हमें निकलते निकलते 11:30 बज गए अभी। और नाश्ता हेवी इसलिए क्योंकि हमारा जो लंच ब्रेक होता है वो कभी होता है कभी नहीं होता है, इसलिए जो हेवी नाश्ता करके निकले। सो रुकने का कोई टेंशन नहीं रहेगा, अगर भूख लगेगी तो रुक जाएंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट निकल जाएंगे डेस्टिनेशन तक। वैसे अभी 11:30 बज गए, यानी कि हमें पहुंचने के लिए 8-8:30 बज जाएंगे रात को। सो गाइस, हम पहुंच गए शिरू टोल प्लाजा पे। आप देख सकते हो सामने ही जो टोल प्लाजा नज़र आ रहा है। शिरू के आगे की जो रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है, और ऐसे रोड पे राइड करने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ की रोड कंडीशन इसलिए भी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ जो रोड पे बहुत ही कम दिखाई देती है, जैसे कि आप देख ही सकते हो 1 या 2 ही गाड़ी दिखती है रास्ते पे। मुझे लगता है हम कोस्टल रोड से राइड कर रहे हैं, और राइट साइड में आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत जो है समुंदर नज़र आ रहा है, और समुंदर के बाजू में से ये रोड काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, व्यू काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है हमें रुकना होगा, ये एक खूबसूरती जो है ड्रोन कैमरे से कैप्चर करते हैं, काफ़ी अच्छा और खूबसूरत जो है व्यू आएगा यहाँ से। मैं रुकता हूँ, तब तक आप जो है ये ड्रोन शॉट्स को एंजॉय कीजिए। Thank you.
सो गाइस ड्रोन शॉट्स को एंजॉय किया, तो चलो यहाँ से निकलते। ये जो राइट साइड में था ये एक बीच है, जो मुझे भी अभी पता चला जब हम रुके थे, तब सर्च किया तो पता चला कि ये बीच है, मरावंते बीच कुछ नाम है इसका, और काफ़ी खूबसूरत व्यू था। अच्छा हुआ यहाँ पे रुके, और उसके वजह से जो हमें अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स भी मिल गए, और ये जो बीच था काफ़ी खूबसूरत था। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना। उडुपी जो है यहाँ से और 17 किलोमीटर बाकी है, और मैंगलोर जो है 75 किलोमीटर और आगे है। सो गाइस हम पहुँच गए मैंगलोर में, और मैंगलोर एक सिटी है जहाँ एक बड़ा पोर्ट नज़र आया राइट साइड में, देख सकते हो। इससे ही पता चलता है कि हम पहुँच गए मैंगलोर में, और मैंगलोर की जो धूप है वो बहुत ही तेज़ धूप लग रही है। और अपने जिक्सी ने भी जो ऑयल कूलिंग फ़ैन जो है चालू कर लिया है, और उसका जो गरम गरम हवा पैर को लग रही है, इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ गया है बाइक का, और कूलिंग फैन भी चालू हो गया है। तो स्कूल में तीन लैंग्वेज तो होगा ना, स्कूल में तीन लैंग्वेज, 10th तक हिंदी होगी, कमी सीख लेता है राष्ट्रभाषा इतने लोग। हमें और कवर करने हैं 204 किलोमीटर, और हमने यहाँ पे एक बात नोटिस की पेट्रोल पंप पे भी, और साउथ में जैसे इंटर हो, एक बात नोटिस की कि यहाँ पे जो हिंदी लैंग्वेज जो है अपनी बहुत ही कम बोली जाती है। पता नहीं क्यों साउथ वाले लोग ज़्यादा हिंदी नहीं बात करते। हमें यहाँ पे रुकाया था पुलिस वालों ने, जस्ट चेकिंग के लिए डॉक्यूमेंट चेक किए, और उन्होंने एक एडवाइस दी कि आगे जो हिली एरिया है तो बाइक जो है थोड़े स्लो चलाइए, टर्निंग्स वगैरह ज़्यादा है तो गाड़ी संभाल के और स्लो चलाइए उन्होंने कहा है, तो हम उनकी बात मानेंगे, क्योंकि रिसेंटली वो बता रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है आगे। तो सेफ्टी फर्स्ट। और अब तक जो है हमने कवर कर लिए मुर्डेश्वरा से 236 किलोमीटर, गाड़ी जो है चल गई है, और टाइम हो गया है 5:27। सो गाइस हिली एरिया जो है स्टार्ट हो गया, आपको मिलते हैं अभी डायरेक्ट रूम पे, क्योंकि थोड़े ही देर में जो है रात भी हो जाएगी, और हमें भी बहुत ज़्यादा किलोमीटर कवर करने हैं। सो कोशिश करेंगे मैसूर तक पहुँचने की, या फिर अगर नहीं पहुँचे तो उसके पहले कोई तो जगह देख के स्टे करेंगे वहाँ पे। Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. Hey, hi guys. अभी टाइम हो गया है रात के 11 बज गए। अभी मैं हूँ हंसर में, और हंसर एक जगह है जो मैसूर से थोड़े सा पहले आता है 40 किलोमीटर। सो आज हमने जो ट्रैवल किया है फ्रॉम मुर्डेश्वरा टू हंसर, 360 किलोमीटर का जो ये राइड था, काफ़ी खूबसूरत रोड थे, और जो आते वक्त रोड थे वो हिली जो रोड थे, काफ़ी मज़ा आ गया राइड करते, और टर्निंग पॉइंट मस्त थे एकदम, देखने के लिए रोड ही काफ़ी खूबसूरत दिखता है। सो आपने जो अभी देखा ही होगा, और जो मुर्डेश्वरा में हमने टेंपल के सामने से ड्रोन शॉट लिया था, आई होप आपको पसंद आया होगा, और बीच में हमने रुक के भी एक ड्रोन शॉट लिया था, वो भी आपको पसंद आया होगा। सो आज का जो राइड है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग ने अभी स्टे किया है, ओयो से रूम बुक किया था, रूम की प्राइस भी आपको अपडेट कर दूँ, ये हमें रूम मिला है 500 रुपीज़ में। सो हमारा जो कल का प्लान है वो भी अपडेट कर देता हूँ, हमारा कल का प्लान है यहाँ से ऊटी जाने का। सो ऊटी जाते हुए हमें बीच में जो है टाइगर रिजर्व मिलेगा, सो जाते हुए काफ़ी खूबसूरत होने वाला है कल का जो दिन है। आई होप आपको जो आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे नए नए जो ब्लॉग है लाता हूँगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर हेलमेट, बाय बाय।